मेरे पास जो भी एविडेंस थे उसको मैंने सील्ड एनवलप में सारी की सारी चीजें होम सेक्रेटरी साहब को सौंपी है। जो जानकारी मेरे पास थी उस जानकारी की पूरी ब्रीफिंग ये भी मैंने उनको दी है और मैंने उनसे मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। होम सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा कि ये सारी चीजें वो उसको देखेंगे और उसके ऊपर सरकार ये एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, इस प्रकार से उन्होंने मुझे कहा है। मैं इतना ही मानता हूं कि ये जो सारा मसला है इस मसले में इस रिपोर्ट को 25 अगस्त 2020 से लेकर अभी तक क्यों दबा कर रखा गया, उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इतने गंभीर उसमें कन्वर्सेशंस थे तो ऐसे कन्वर्सेशन करने वालों पर, उनसे कांटेक्ट करने वालों पर सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। और सबसे महत्व की बात, तत्कालीन डीजीपी इन्होंने स्पष्ट रूप से रिकमेंडेशन दिया था कि सीआईडी से इसकी जांच की जानी चाहिए, वो सीआईडी से जांच भी क्यों रोकी गई, ये सवाल इसमें उठता है। किसको बचाना सरकार चाहती थी, किसको एक्सपोज होने से सरकार बचा रही थी, ये सवाल इसमें तैयार होते हैं। और इसलिए सारी चीजें मैंने दी है और मेरा विश्वास है कि सरकार की ओर से इसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। नवाब मलिक इन्होंने जो कहा है वो सरासर सिरे से झूठ है। पूरी फाइल अगर देखी जाए तो बकायदा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम इनसे परमिशन लेकर ये सारा मामला जो है इंटरसेप्शन का किया गया है। उसके बाद रिपोर्ट बकायदा डीजीपी साहब ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब को दी है और मेरी पुख्ता जानकारी है कि ये रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी देखी है और कुछ इंटरसेप्शंस भी मुख्यमंत्री जी ने सुने। सुबह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से बताया उसमें क्या क्या है और मैंने ये भी कहा कि मैं इसको पब्लिक डोमेन में इसलिए नहीं लाना चाहता कि ये बहुत सेंसिटिव है और इससे चूंकि हमारे पुलिस बल का मनोबल भी बहुत महत्वपूर्ण है और जो गलत काम करते हैं उनके साथ साथ कोई दूसरे लोग भी उसमें न पिसे और इसलिए इसकी ठीक से जांच हो और गलत काम करने वालों को सजा हो, इसके लिए मैंने यह सारा का सारा मामला दिया है। जो बात आपने कही वो सही है, अभी तक इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने कोई रिएक्शन दी नहीं है। अपेक्षा यह है कि मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर रिएक्शन देनी चाहिए, किंतु पवार साहब ने दो बार प्रेस की पर मुख्यमंत्री जी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। केंद्रीय गृह सचिव जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसकी पड़ताल की जाएगी, सरकार को यह दिया जाएगा और इसके ऊपर जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन है, उचित निर्णय है, वो सरकार करेगा, इस प्रकार का आश्वासन उन्होंने मुझे दिया।